Hi guys, welcome to my study channel, Study Special Education. In this channel, we try and get about the nuclear physics. You can get all the concepts about the nuclear physics. Okay? And in this channel, I also upload about the nuclear detector, nuclear reactor, and the radioactivity, all the concept which I uploaded. And today's concept is the initial concept of nucleus, that is where the nucleus is situation, the situation of the nucleus. Okay? Today I am discussing about the atomic physics. Then listen, you can also question me that, sir, are you studying about the nuclear physics? But you are studying about the atomic physics. But listen, to find the about the situation of the nucleus, you have to know about the atomic and its models. Okay? Then, about the atomic physics, atomic model is first discovered by, given by J.J. Thomson. Okay? You already discussed, already know about the Thomson model, that is pump coding model, and today get some point. What is about that model and what is its profit and what is its loss and what is its drawbacks. Okay? Then, to define the structure of the atom, there is different atomic model. To define the structure of atom, there is different atomic model. First is derived by J.J. Thomson. Okay, J.J. Thomson, what he said, listen, you have to understand clearly, then go for, then I go for no. Okay. J.J. Thomson ने बोला है कि ये एटम एक स्फीयर क्या है, एटम का जो एटम स्फीयर जैसे दिखाई देता है और ये एटम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर होकर रुक गया है एंड जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे है, वो पंपकिन में जैसे उसका सीड डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। दैट मींस एक तो आपने देखा है तरबूज, तरबूज का जो रेड पार्ट होता है, जो रेड पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज का सिग्निफिकेशन है और जो सीड है, काला काला जो सीड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके इसी तरह इस नेगेटिव चार्ज को J.J. Thomson ने बोल दिया कि जो नेगेटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज जैसे तरबूज में उसका सीड, काला सीड जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसी तरह वो नेगेटिव चार्ज एटम में हरे पड़े हैं एंड जो पॉजिटिव चार्ज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। ओके तो J.J. Thomson ने क्या कहा, एटम इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस क्या, रेडियस 10^-10 मीटर। 10^-10 का मतलब क्या है, 1/10 मीटर। ओके सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, एटम कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये इसलिए बोले क्योंकि उनको बताना था कि एटम इज न्यूट्रल, एटम को न्यूट्रल बताया कर वो उसको ये क्लैरिफाई दिया कि वो जो एटम है ये भाई न्यूट्रल है। तो भाई न्यूट्रल कैसे हुआ, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज।
इसलिए ये एटम क्या हुआ, न्यूट्रल। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेगेटिव चार्ज अरेंज सच एज, कैसे अरेंज हुआ है, सीड्स इन पार्टिकुलर, तरबूज में सीड जैसे अरेंज होता है वैसे नेगेटिव चार्ज अरेंज हुआ है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। तो ये जो एटॉमिक मॉडल दिया इसमें वो बोल दिए एक तीन पॉइंट बोल दिए, क्या बोल दिए, एक तीन पॉइंट उनकी जो एटॉमिक मॉडल में वो क्लैरिफाई करके चले। बट इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है जो कि वो ठीक से प्रायोरिटी देकर नहीं बता पाए थे, जो कि उसका ड्रॉबैक्स के आधार में हमें याद रखना पड़ता है। तो ये जो ड्रॉबैक्स है उसमें क्या है, वो एटम का स्पेक्ट्रल लाइन समझा नहीं पाए थे और उसका स्टेबिलिटी जो है, एक एटम का जो स्टेबिलिटी कैसे स्टेबल होता है वो भी नहीं बता पाए थे। तो उनका जो ये पॉप पुडिंग मॉडल जो हुआ वो फेलर हो गया था। तो उनका जो ड्रॉबैक्स है वो क्या है, नॉट एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग and not explain origin of spectral lines। तो ये अल्फा स्कैटरिंग क्या है, आपने रदरफोर्ड के बारे में जाने हो तो हम इसके अगले स्टेप में हम याद करेंगे कि अल्फा स्कैटरिंग क्या होता है। और मेन की बात, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन है ये जे जे थॉमसन ने इसको नहीं समझा पाए थे, इसलिए इनका जो मॉडल था वो फेलर की लिस्ट में चला गया था। तो जे जे थॉमसन के बाद में कौन आए, हमारा महाराज रदरफोर्ड जी ने आए थे। तो उसके बाद क्या है, कौन आए थे, रदरफोर्ड साहब ने। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किए, वो अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट करने गए। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक गोल्ड फॉइल में, गोल्ड फॉइल मीन्स एक गोल्ड का प्लेट, और इस गोल्ड की प्लेट के प्लेट में बुलेट मारने के लिए सोचे, सोचने लगे कि इसको मैं गन से फायरिंग करूँ। भाई कैसे गन से फायरिंग करूँ, तो ये अल्फा पार्टिकल की गन से फायरिंग करूँ। वो क्या सोचे, ये जो थीन प्लेट है, गोल्ड का जो थीन प्लेट है उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का फायरिंग करने के लिए वो सोचे। तो अल्फा पार्टिकल को कैसे फायरिंग करें, ये जो न्यूक्लियर डिटेक्टर्स है, क्या न्यूक्लियर डिटेक्टर से अल्फा पार्टिकल को फायरिंग करने के लिए अपने दिमाग में लाए। तो ये न्यूक्लियर डिटेक्टर क्या है वो मेरे अगले वीडियो में है, आप जहाँ तक अगले वीडियो में न्यूक्लियर डिटेक्टर के बारे में विस्तृत के बारे में जान सके। तो हम ये न्यूक्लियर डिटेक्टर को यहाँ पर ही रख लेते हैं। तो क्या देखें, क्या इससे वो अल्फा पार्टिकल को क्या किया, फायरिंग करने से वो देखे कुछ अल्फा पार्टिकल आता है फिर ऐसे निकल जाता है, और कुछ अल्फा पार्टिकल आता है ऐसे निकल जाता है, और कुछ अल्फा पार्टिकल जैसे रिटर्न बंद कर लेता है। वो देखे कि इतना सारे जो एक्सपेरिमेंट वो देखे, कोई ऐसे डेबिट हो रहा है, कोई ऐसे डेबिट हो रहा है, कोई आगे तक नहीं बढ़ पा रहा है, रिटर्न हो रहा है। वो सोचने लगे कि यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है, यहाँ पर एक कोई एटम का कोई पार्टिकल है जो इस पार्टिकल को जाने नहीं दे रहा है। तो ये जो पार्टिकल को उसने ढूंढा, उस पार्टिकल को वो नाम दे न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस तो दे दिया, उनको तो बताना पड़ेगा कि इस पार्टिकल में क्यों आगे नहीं जा रहा था। हमें पता है अल्फा पार्टिकल दैट मींस Hg2O4, हाँ कि नहीं? ये क्या है? प्लस प्लस। जिसमें कि प्लस प्लस चार्ज है, ये प्लस प्लस चार्ज यहाँ पर आ रहा है बट यहाँ पर नहीं जा रहा है कि रिटर्न हो रहा है। क्यों रिटर्न हो रहा है भाई? क्योंकि ये जो पार्टिकल ने उसने उनने ढूंढा, ये जो पार्टिकल जो न्यूक्लियस था, ये भी एक पॉजिटिव पार्टिकल था। हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा क्या होता है? रिपल्सन होता है। जिसलिए ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव एंड ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, इसलिए वो जो अल्फा पार्टिकल इससे भागे जा रहा है, इसके पास नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो है उल्टा भाग रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला कि एटम के अंदर एक पार्टिकल होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जहां पर कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है एंड प्रोटॉन होता है। जो एटम का जो मास है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैं कैसे एटॉमिक फिजिक्स से न्यूक्लियर फिजिक्स के तरफ जा रहा हूँ, उसको मार्क कीजिए। तो हमें पता चल गया है कि न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? एक एटम का सेंट्रल पोजिशन में होता है। तो न्यूक्लियस भाई क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जहाँ पर कि न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रोटॉन अपना घर बैठा कर रखा है। ओके, तो समझ में आ गया। तो उनका पॉइंट है, रदरफोर्ड जी ने क्या बोला? उसने बोला कि एटम जिसका डायमीटर, ये जैसे फंक्शन सार में बोला था, जिसका डायमीटर था 10^-10 मीटर, ये रदरफोर्ड सार ने बोला न्यूक्लियस का एटम जो है उसका डायमीटर क्या है? 10^-14 मीटर। जो कि इसलिए वो जो न्यूक्लियस का जो डायमीटर है इस एटम के डायमीटर से बहुत छोटा है। ओके, सेकंड क्या बोला? इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बोले? ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जैसे भक्त मंदिर के चारों तरफ घूमता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस को भगवान मानकर उसके चारों तरफ घूम रहा होगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या बोले? एटम इज न्यूट्रल। ओके, टोटल पॉजिटिव जो चार्ज होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, तो ये न्यूट्रल में कैसे हुआ? कभी ऑब्जेक्ट, कभी कंडक्टर न्यूट्रल कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा। तो ऑल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस इक्वल टू ऑल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। तभी तो हम बोल पाएंगे ना कि ये भाई पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल है, इसलिए ये जो एटम होता है ये भाई न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल ना होता तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है एंड जो नेगेटिव चार्ज वाला जो है इलेक्ट्रॉन है ये इक्वल, हम तो नहीं बोल सकते ना। इसलिए वो बताया गया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड जो ये इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है, इनका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है। ओके, अगला पॉइंट क्या बोले? न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस की चारों तरफ
is a electrons revolving around the nucleus. ये भी बोल दिए गए. ओके, ये हो गया उनका बहुत गलत पॉइंट. वो क्या बोले, ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है. जब वो जो न्यूक्लियस घूम रहा है, तो सॉरी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है. इस पॉइंट उनको भारी पड़ गया. कैसे भाई भारी पड़ गया, ये जो घूम रहा है, देखो कोई एक आदमी, ये मान लो एक मूर्ति है, गणेश जी का मूर्ति है, एक आदमी इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो ये जो घूम रहा है उसको घूमने के लिए एनर्जी तो चाहिए, इसलिए वो खाता है, पीता है, सारे सब करता है. ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से एनर्जी लाता है, ये कहाँ से एनर्जी लाता है, देखिए ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव चार्ज, हाँ कि नहीं. ये न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव चार्ज. इन दोनों बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये फोर्स इसको एनर्जी देता है कि भाई तू इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम. ये कौन बोला, ये बोले रदरफोर्ड साहब. रदरफोर्ड साहब ने बोले कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. तो जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए उसका एनर्जी कहाँ से लाता है, वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वहां से एनर्जी लाकर वो इसकी चारों तरफ घूम रहा है. तो इनकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसके साथ इक्वल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. ओके, इनका भी जो ड्रॉबैक्स बचा, वो भी बहुत गलत पॉइंट दे दिए, उनका भी वो ड्रॉबैक्स बहुत हुआ. तो उनका जो ड्रॉबैक्स था क्या था, देख रदरफोर्ड ने तो बोल दिया कि क्या बोल दिया, रदरफोर्ड ने बोल दिया कि भाई प्रोटॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है. वो जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ घूम रहा है. मैंने बोला ये गणेश जी का मूर्ति है, उसके चारों तरफ एक आदमी, हट्टा कट्टा आदमी भाग रहा है. तो भागते भागते कितना देर तक वो भाग पाएगा, जब उसको थक जाएगा वो वहां पर गिर जाएगा कि नहीं. तो और जो सारे जो साइंटिस्ट थे, उसने उन्होंने रदरफोर्ड को पूछा, भाई ये तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये घूम रहा है मीन्स एनर्जी लॉस कर रहा है. तो एनर्जी लॉस कर रहा है उसका मतलब कभी तो कभी वो थक जाकर न्यूक्लियस के ऊपर गिरता होगा, हाँ कि नहीं. अब देखो ये आदमी हट्टा कट्टा है, जिम विम कर रहा है, तो ये भागे जा रहे हैं गणेश मूर्ति के चारों तरफ. तो कभी भी दो दिन, चार दिन, मान लो एक महीना दो महीना, एक साल मान लो, कभी तो वो गिरेगा ही, क्योंकि उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, हाँ कि नहीं. तो ये भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, माना घूम रहे हैं, हाँ अच्छा है. तो कभी भी वो थक कर उसके ऊपर गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा. तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गिर जाएगा, तब क्या होगा, वो जो एटम है ब्लास्ट हो जाएगा. तो हमारा जो रियल केस है, हमारा जो डेली लाइफ में, यहाँ पर ऐसे होता है. ऐसे होता तो क्या होता, कोई भी पार्टिकल उसे
देखते ही हमेशा वो जो जैसे फटाका फटाका होता है ना, धप 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 वैसे होता रहेगा। तो ऐसे डेली लाइफ में ऐसे कभी नहीं होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन घूम घूम कर थक कर इसके ऊपर गिर जाए। तो इस पॉइंट को सारे साइंटिस्ट ने इसको गलत साबित कर लिया। क्या गलत साबित कर लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूस नहीं घूम सकता है, ये इम्पॉसिबल है। क्या हो गया ड्रॉबैक? ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन सुन कंटिन्यूसली एमिट एनर्जी। कोई चारों तरफ घूम रहा है इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी लॉस कर रहा है कि नहीं। एंड हेंस द रेडियस ऑफ इट्स पाथ सुन डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट शुड फॉल इनटू न्यूक्लियस, देन द एटम कैन डिस्ट्रॉय। क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। मान लो पहला बार उसके पास बहुत एनर्जी है और ये एक सर्किट सर्कुलर बार में घूम गया। दूसरा बार भी उसके पास एनर्जी है, ये भी घूम गया। जब उसको थकान बढ़ते जाएगा वो कैसे घूमता जाएगा, ऐसे अपने रेडियस घटाता हुआ जाएगा कि नहीं, ऐसे 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 आकर लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा और वो जो होगा जो एटम है ये एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट really it can't happen, सब रियल लाइफ में रियल केस में ऐसे नहीं होता है, इसीलिए ये हो गया उनका ड्रॉबैक्स। दूसरे ड्रॉबैक्स क्या है, रदरफोर्ड स्पेक्ट्रल लाइन को नहीं समझ पाए, एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइन को वो समझा नहीं पाए। तो जब ये नहीं समझा पाए तो कौन आए, हमारा जो नील बोस सामने अपना झलक दिखाने के लिए आए। तो वो क्या कि वो सिर्फ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई, क्या कि रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल के जो चार पांच पॉइंट उसको क्या कि थोड़ा मॉडिफाई, इसलिए बोस एटॉमिक मॉडल को क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, मॉडिफाइड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो उन्होंने क्या किया, वो भी वही बात बताया है क्या, एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पॉजिटिव कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, होल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास ऑफ एटम कॉन्सेंट्रेट इन इट। तो क्या बोले कि जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज का ग्रंथागार है। एंड ये मास भी, एटम का भी मास भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के मास के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत नेग्लिजिबल है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो रदरफोर्ड साहब ने भी बोला था, इन्हें उन्होंने बोस साहब ने भी ये बोला, भाई ये नहीं बोला, वो अपनी चालाकी से वो क्या बोले,
वो जो इलेक्ट्रॉन जो ये जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूम रहा है ये चारों तरफ घूम रहा होता तो एनर्जी लॉस करता है। तो बोर साहब ने क्या बोले ये भाई जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे घूम रहा है वो एनर्जी नहीं लॉस कर रहा है, एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं लॉस कर रहा है? इस ये इसकी ऑर्बिट को पता, हमें नहीं पता। वो क्या बोले ये जिस पाथ पे मूव कर रहा है ये जो पाथ है वो पाथ का एक स्पेशल कैरेक्टर है। वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लॉस करने नहीं देता, जिसका वो नाम दे दे एनर्जी लेते। तो क्या हुआ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बाय सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट जिसको वो नाम दिए एनर्जी लेवल। वो जो पार्टिकुलर जो स्पेसिफिक जो ऑर्बिट होता है वो एनर्जी लॉस करने नहीं देता है, इसलिए ये हमेशा घूमता ही रहता है एंड एनर्जी लॉस नहीं करता है। ओके तीसरा पॉइंट इन द ऑर्बिट इन व्हिच एंगुलर मोमेंटम ऑफ आ इलेक्ट्रॉन इज एन एच टू बाई एच मीन्स प्लांक्स फंक्शन, प्लांक्स फंक्शन। तो क्या बोले ये हो गया न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन ही उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। कि चारों तरफ जो घूम रहा है इस पार्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है एनर्जी नहीं लॉस कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है एन एच बाई टू बाई ये भी एन क्या एन हो गया इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। तो एक दो तीन चार पाँच इंफिनिट तक वो जा सकता है। चौथा पॉइंट क्या है वो बोला एनर्जी लेवल क्या होता है एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, एनर्जी रेडिएशन नॉट अकर दैट मींस ये एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है। चौथा पॉइंट क्या है देखो ये एक ऑर्बिट हो गया और एक ऑर्बिट ये हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा इस ऑर्बिट में मूव करता है। ये मान लो ये ए इलेक्ट्रॉन है ये बी इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट ये बी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट ये। वो क्या बोले जब ए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में जब उसको थकान आ रहा है तो ये क्या कर रहा है इस लेवल में जंप कर रहा है। तो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है जब ये अपना एनर्जी सेव कर रहा होगा तो जब एनर्जी सेव हो जाएगा वो फिर से इस ऑर्बिट में जंप करने लगेगा। तो जब हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जंप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं। ओके लोअर को हायर लेवल में ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई बड़ा सर्किट में मूव कर रहा होगा छोटे सर्किट में आएगा तो उसका एनर्जी क्या होगा घट जाएगा कि नहीं। तो छोटे सर्किट में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, एनर्जी लॉस होगा तो वो थकान हो जाएगा थक छोटे वाला ऑर्बिट में आ जाएगा। जो कोई भी छोटे वाला ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका एनर्जी सेव हो गया, वो जब इसके बड़े वाला ऑर्बिट में मूव करना होगा उसको क्या करना पड़ेगा एनर्जी ऑब्जर्व करेगा एनर्जी उसको सेव करना पड़ेगा। एनर्जी सेव होगा तो ये बड़े वाला सर्किट में मूव करने के लिए इजी होगा, हाँ कि नहीं। तो इसका एक रिलेशन भी है, क्या है रिलेशन देखो h mu इक्वल टू e i माइनस e फाइनल दैट मींस इनिशियल ऑर्बिट का एनर्जी फाइनल ऑर्बिट का एनर्जी इसका जो डिफरेंशिएशन है h mu है, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, mu क्या है फ्रीक्वेंसी। ये वाला इक्वेशन में एक वीडियो में बता दिया गया हूँ, वो चाहे तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको ध्यान में
देख लीजिएगा ओके। वो जो बोर्ड सर अपने बोले उनका भी तो एक दो तीन ड्रॉबैक्स रुक गया, उनका ड्रॉबैक्स क्या है, उनका ड्रॉबैक्स क्या है, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रल लाइन नहीं समझा पाए। क्या नहीं समझा पाए, स्पेक्ट्रल लाइन तो नहीं समझा पाए वो हाइड्रोजन का, वो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन का है, दैट मींस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है हीलियम नियम जो एक से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उनका जो स्पेक्ट्रल लाइन उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं समझा पाए। और क्या स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये भी नहीं समझा पाए। तीसरा क्या है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नहीं समझा पाए। भाई हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एटॉमिक फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस के जो कंसिडरेशन है वो ही हम पढ़ेंगे, वो लाइन सीरीज बैलेंस सीरीज ये हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम मैं बोलना चाहता हूँ कि वो न्यूक्लियस कैसे डिस्क्राइब हुआ, कैसे डिराइव हुआ, उसका पोजीशन कैसा है, वो कैसे अपना थ्योरी को घटता चले गया है, उसका मॉडल क्या है, वो हम पढ़ने वाला है। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मॉडल जो कि न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड था। हम पढ़ेंगे अगले क्लास में न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो 10^-15 क्यूब है। और क्या पढ़ेंगे, जब न्यूट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था तब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक क्या था, इसका जो वैल्यू क्या था। न्यूट्रॉन को डिस्कवर होने के बाद ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रिप्शन क्या बन गया है, यह हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।